मेरी बातों को आप तभी समझ पाएंगे जब आप बड़ी ही सूक्ष्मता से और ध्यान पूर्वक इन बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे और इन बातों की गहराई में जाने की कोशिश। प्रथम बात, आपने कभी ध्यान दिया होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार आई सत्ता में तो जो देश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और इसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि देश में अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक है मुसलमान, हम अल्पसंख्यकों को खाने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। अब इसमें यदि आप के पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी और इस वाक्य के गहराई में जाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस्लाम में जो मुल्ले होते हैं उनका पसंदीदा होता है गौमांस, है ना, और कांग्रेस क्या कह रही है, हम उन्हें उनके खाने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, यानी कि अगर इनकी सत्ता आई तो ये गौमांस को वैध करेंगे। अभी समय है, अभी आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए और इन बातों को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। और धिक्कार है उन हिंदुओं पर जो एक हिंदू होकर के कांग्रेस को वोट देते हैं, वो गौहत्या का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ यह वाक्य लिखा हुआ है, अभी जाइएगा आप पढ़ लीजिएगा कि हम उन्हें जो है और सुविधाएं तो प्रदान करेंगे ही और गौमांस को वैध करेंगे। और भारत देश में गौमांस, जहाँ पर गाय को माता माना जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है उसमें, भगवान श्री राम, भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में और भगवान श्री नारायण ने कृष्ण के रूप में जहाँ पर जन्म लिया, ईश्वर की भूमि पर ही गौ माता की हत्या होगी। अगर ऐसा हुआ तो हिंदुओं की दुर्गति होगी, इतना आप जान लीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो सुख से जी नहीं पाएगा कोई भी हिंदू हो, सुख से वो रह नहीं पाएगा, वैसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी। वो मुसलमानों के समर्थक हैं, उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए इतने सारे अधिकार तो खोल ही रहे हैं, उसके साथ ही हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं, यानी कि बहुसंख्यक हैं कौन, बहुसंख्यक हैं हिंदू, हम बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हैं। और आपने राहुल गांधी को मांस खाते हुए देखा भी था, तो जो व्यक्ति मांस खाता है, कुछ ही समय पहले उस बेचारे बकरे को खिलाया सहलाया, उसे खिला रहे थे, उसके बाद उसे मार कर खा गए, इतनी बड़ी दैत्यता आ चुकी है मन में, राक्षसी प्रवृत्ति है एकदम से। और अगर ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश उन्नति कैसे करेगा। हमारा भारत इन जैसे लोगों की वजह से विश्वगुरु नहीं हुआ था, हमारा भारत अपने हमारे ऋषि मुनियों की वजह से विश्वगुरु हुआ था, हमारे संस्कृतियों की वजह से विश्वगुरु हुआ था, जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष में भगवान का निवास माना जाता है, ऐसी भावना की वजह से हमारा भारत विश्वगुरु हुआ था। किसी जीव की हत्या करके आज ये कलयुगी प्राणी भारत की उन्नति की बात करते हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर आपने अभी नहीं समझा तो इसका पछतावा आपको अवश्य होगा, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी तो यही चाहते हैं कि आप जय श्री राम के नारे लगाएं और भूखे मर जाएं। और ये नारा याद है, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा लगाया जा रहा था, ये सपा वाले लगा रहे थे। और जितनी ही नीच सब कांग्रेस है उतनी ही नीच सपा है, ये भी मुसलमानों का पक्ष लेकर सदैव बात करते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए, अखिलेश यादव ने बोला था कि ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये मुसलमानों की पुरानी धरोहर है, बीजेपी को प्रत्येक जगह मंदिर दिखाई देता है और मुसलमानों की पुरानी धरोहर ज्ञानवापी को भाजपा खत्म करना चाहती है। अब बताइए, इसके बाद भी हिंदू जा कर के सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन को वोट देते हैं, मतलब अपने ही संस्कृति के खिलाफ इतने बुरे शब्दों का प्रयोग करने वालों को लोग जा कर के वोट देते हैं, कैसी भावना आ चुकी है। ऐसी ही भावना रही तो देश का कल्याण कैसे होगा बताइए, देश में हिंदुत्व तो कैसे सुखी रहेगा। और जिस देश में गौ माता की हत्या होती है उस देश में कभी भी शांति आ ही नहीं सकती है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो हिंदुओं का कत्लेआम होगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए मित्रों, सिर्फ एक ही बात है कि जीवन बहुमूल्य है, और अगर अपने देश को अपनी संस्कृति को ऊंचाइयों पर ले जाना है, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, तो अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। और हिंदुत्व के लिए सिर्फ एक पार्टी है,
जो कि हिंदुत्व का समर्थन करती है, हमारे भारतीय संस्कृति का समर्थन करती है, वो है भाजपा। अब इसके क्या क्या प्रमाण मैं आपको दे दूँ, आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो समुद्र के नीचे सिर्फ एक हिंदू धरोहर, एक हिंदू मंदिर के दर्शन के लिए समुद्र के नीचे जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो मतलब उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी थे, वो समुद्र में गए, मोर का पंख लिए, नीचे गए, पूरा मतलब जो जो भी सूट होता है पहनकर समुद्र के नीचे तैरा जाता है पहन कर गए नीचे, वहाँ पर उन्होंने शीश नवाया, वहाँ पे पूजा की द्वारिका नगरी की, मतलब अपने संस्कृति के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति। और ये सब बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत गहनता से इन सभी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इन सभी बातों को ऐसे चलते चलते मैं समझ लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं जो ये बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इसे गहनता से समझ कर बोल रहा हूँ। आपकी एक मन की भावना होती है, जब आप भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो आप उनमें अपने मन को, अपने चित्त को लगाने की कोशिश करते हैं, है ना? दिखावा ईश्वर को कभी पसंद नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी समुद्र के नीचे वो गए, उन्होंने वहाँ पे भगवान की पूजा की। उसके बाद कांग्रेस क्या करते कहते हैं समुद्र के नीचे क्या है, और ये मत भूलिएगा कि सन 2007 में कांग्रेस ने ही भगवान श्री राम के होने का प्रमाण मांगा था। इन्होंने कोर्ट में यह याचिका दायर की थी कि राम सेतु एक प्राकृतिक निर्मित पुल है और उसे तोड़ दिया जाना चाहिए ताकि समुद्री मार्ग में आसानी हो। हिंदुओं के इतनी पुरानी और इतनी भगवान श्री राम द्वारा बनाए गए पुल को तोड़ने की साजिश रची गई थी, और जब जनता ने विरोध किया तब इस पर रोक लगाया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ही सरकार से कहा था कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि ये पुल भगवान श्री राम ने नहीं बनाया। तो सूक्ष्मता से सोच कर देखिए, जो पार्टी कभी खुलेआम तो कभी अत्यंत सूक्ष्मता से माइंड वॉश, मतलब हिंदुओं का, इस देश के लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करती है, उसे ही इस देश के हिंदू वोट देते हैं। उन्होंने लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों के लिए खाने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। भाई क्या नहीं मिल रहा है उन्हें खाने को? हाँ मैं मान लूँ अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तब वो स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, अलग बात है। सब कुछ मिल रहा है, दाल भात रोटी सब्जी खाने को पा रहे हैं, और क्या चाहिए? गौमांस वही एक बाकी है, क्योंकि मुसलमानों के कुरान में उनके जो एक अल्लाह बैठा हुआ है वो कहता है कि ये सब हमें काट कर दो, है ना? ठीक है, तो वही ये वैध करना चाहते हैं, और ये एकदम सत्यता है। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो गौ माता की हत्या कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर गौ माता की हत्या हुई तो वह देश कभी उन्नत नहीं कर सकता है। धिक्कार है, कलंक है, जो भी सनातनी जो भी हिंदू हैं उन पर कलंक है, धिक्कार है उन पर कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दी। मोदी जी चाहे काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, उस समय वो भूल जाते हैं कि मैं एक प्रधानमंत्री हूँ। उस समय वो ईश्वर के एक अद्भुत प्रेमी, उनके एक नादान शिष्य, उनके एक नादान पुत्र बन जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इतनी श्रद्धापूर्वक, इतने हृदय, इतनी आत्मीयता से वो भगवान की पूजा करते हैं, अपने उन सभी वस्त्रों को त्याग करके जो प्रधानमंत्री होते हुए पहनते हैं, एक साधारण वस्त्र पहन करके वो ईश्वर की पूजा करते हैं और भगवान में अपने चित्त को लीन कर देते हैं। पिछली बार याद है 8 घंटे तक कोई भी व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाता, और उन्होंने 8 घंटे तक भगवान केदारनाथ के मंदिर में ध्यान किया था, 8 घंटे तक। आप बैठ कर दीजिए, लिखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ आप 10 मिनट नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इतना समर्पित है ईश्वर के प्रति, तो कहीं ना कहीं उसके हृदय में अपार सम्मान है, और इस सम्मान को देश की जनता को समझना चाहिए। जिस धर्म का वो प्रधानमंत्री है उस धर्म के लोगों को समझना चाहिए, और अगर वही नहीं समझेंगे तो बात ही अलग है, अपने विनाश को बुलावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि देख लीजिए, दुबई में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर खुला है नरेंद्र मोदी जी की वजह से। क्या कहती थी यहाँ पे इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी के साथ कोई कहता था, कांग्रेस वाले कहते थे कि अगर हमने राम मंदिर को बनवाया तो जो पश्चिमी देश हैं, तो सऊदी अरब, वो हमें तेल देना बंद कर देंगे। और आज देखिए, तेल देना बंद नहीं हुआ, बल्कि भारत में तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना ही, और इसके साथ सऊदी अरब में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना, जहाँ पर सनातन धर्म के सभी भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो ये सभी बातें बड़ी सूक्ष्मता से सोचने वाली होती हैं। आज क्या है कि आज का जो ये हिंदू समाज है,
ये उस पर गौर नहीं करता और ये लोगों के बहकावे में आ जाता है। तो मित्रों, मैं आपको सिर्फ सचेत करना चाहता हूँ कि वोट आपका सिर्फ भाजपा को जाना चाहिए अगर आप इस देश की उन्नति चाहते हैं, अपने सनातन संस्कृति की रक्षा चाहते हैं और भारत को विश्वगुरु के रूप में देखना चाहते हैं। तो वोट सिर्फ भाजपा को होना चाहिए और किसी को नहीं जाना चाहिए। मेरे इन बातों पे कभी गौर कीजिएगा। और अगर आपने कांग्रेस को वोट किया तो आप परिणाम देखिएगा, कहीं पर जाएंगे नहीं। यही 6 महीने बाद देखिएगा कितनी दुर्गति होगी हिंदुओं का, ये लोग कत्लेआम करेंगे, इतना याद रखिएगा आप। तो इसीलिए अभी भी समय है, भाजपा को वोट दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। और कभी समय मिले तो एक बार सूक्ष्मता से इन सभी बिंदुओं पर सोच कर देखिएगा। मैं उन सभी बातों को विस्तार पूर्वक बताता लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ भाजपा और कोई नहीं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।